हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताऊंगी पुरानी साड़ी में से फ्रिल वाला लहंगा कैसे बनाए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए इस तरह पूरी साड़ी खोलेंगे, पहले देखिए इस तरह वाली पूरी साड़ी, ऊपर वाली पूरी प्लेन है, नीचे वाली थोड़ा बहुत कढ़ाई आ रही है बस। ये हमारे आगे का है, इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। इसे हम एक बार और फोल्ड करेंगे, फोर फोल्डिंग में। देखिए इस तरह मैंने फोर फोल्डिंग कर लिया। अब मैं इसकी लंबाई बताती हूँ। इसकी जो लंबाई है 30 है और इसकी कमर भी हमारी 30 है। देखिए इसकी लंबाई लेंगे पहले हम, देखिए इस तरह, और 2 इंच का हमारा नेफ आएगा तो हमारे 28 चाहिए हमें इस तरह। और देखिए हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमें नीचे फोल्ड में भी जाएगा और 1/2 इंच हमारे ऊपर सिलाई में भी जाएगा, तो इस तरह हम 30 इंच में निशान लगा लेते हैं। और इसकी जो कमर है 30 है तो हम 4 फोल्डिंग में 7.5 इंच ले लेते हैं। और क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम सेम टॉपिक से कट करेंगे। देखिए इस तरह 2 इंच में निशान लगा लेते हैं और इस तरह हम उसमें गुलाई देंगे यहां से। देखिए इस तरह ये हमारी फॉल है, सब निकाल देते हैं। देखिए इस तरह जो इसकी फ्रिल लगाएंगे उसका हम नाप लेते हैं। देखिए ऊपर से हम 5 इंच की फ्रिल लगाएंगे इस तरह। और देखिए यहां से फिर हम 1/2 इंच ऊपर लेंगे, फिर हम 5 इंच में निशान लगा लेते हैं, फिर से हम 1/2 इंच ऊपर लेंगे। हमें 5-5 इंच में निशान लग गए और जो हमारे नीचे एस्ट्रा है इसे नीचे फोल्ड करेंगे। और देखिए इस तरह हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। निशान लगा लेंगे पूरे में जिससे हमारी फ्रिल लगाने में आसानी होगी। इस तरह हमने निशान लगा लिया। अब हम इसके लिए फ्रिल के लिए पट्टियां कट करेंगे। इस तरह हम जहां तक हमारी प्लेन साड़ी है यहां तक हम इस तरह डबल फोल्ड कर लेते साड़ी को। इस तरह हम एक फोल्डिंग और करेंगे। अब देखिए इस तरह हमें 5 इंच की पट्टी चाहिए, इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। देखिए इस तरह हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं, हमारे नीचे फोल्ड में भी जाएगा इस तरह। 6.5 इंच में निशान लगा लेते हैं। इस तरह निशान लगा लिया। अब हम सेम डॉपी से कट करेंगे। हम सेम रफ रखे और पट्टियां कट करेंगे। देखिए इस तरह मैंने 5 पट्टियां कट कर ली हैं। देखिए इस तरह हम फ्रिल डालेंगे। अब देखिए ये मैंने चौड़ी पट्टी कट की है और ये मेरा लाइनिंग है। इस तरह इसको पलट लेते हैं। देखिए ये नेफे के लिए, अब मैं इसकी चौड़ाई बता दूं। इसकी चौड़ाई लेंगे हम 4.5 इंच लेंगे। और देखिए इसकी जो लंबाई है कमर की वो हमें 16.5 इंच लिए, हमें 30 चाहिए था तो डबल फोल्ड में 15 इंच ले लिए। इसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है फोल्ड करने के लिए। इस तरह हम कट कर लेते हैं।
देखिए नेफे के लिए हमारी पट्टी तैयार हो गई है। देखिए इस तरह नेफा भी कट हो गया, हमारा लहंगा भी कट हो गया और हमारी फ्रिल के लिए कपड़ा जो था वो भी कट हो गई पट्टियां। और देखिए इस तरह हम इसमें फ्रिल लगाएंगे। देखिए इस तरह हम ऊपर रखेंगे और इस तरह हम पुल में इस तरह फ्रिल लगा देंगे पुल डाउन में इसी तरह नीचे भी। देखिए जो हमने लहंगा कट किया था इस तरह हम सीधा रख लेते एक साइड का और एक साइड का हम इस तरह उल्टा रखेंगे इसके ऊपर और इस तरह हम एक साइड सिलाई लगा देंगे स्ट्रेट। देखिए इस तरह मैंने एक साइड सिलाई लगा दी है और दूसरी साइड हम खुला छोड़ेंगे अभी। देखिए जो हमने पट्टियां कट की थी अब हम नीचे फिनिशिंग देंगे उसमें एक साइड इस तरह। इस तरह हम पूरे में सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह देख सकते हैं पीछे इसी तरह मैं पूरे में सिलाई लगा लेती हूँ सारी पट्टियों में भी। देखिए इस तरह मैंने नीचे फिनिशिंग दे दी सारी पट्टियों में। देखिए इस तरह देखिए नीचे मैंने लहंगा रख लिया अपना और इस तरह हम इसकी पट्टी रखेंगे इसके ऊपर और इस तरह सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह हम इसमें प्लेट डालेंगे इस तरह छोटी छोटी। देखिए इस तरह मैंने ऊपर पूरे में फ्रिल डाल दिए जो हमने नीचे निशान लगाया था दूसरी लाइन में। अब दूसरी लेयर लगाएंगे हम। देखिए इस तरह दो लेयर लगी है हम तीसरी लेयर लगाएंगे। देखिए इस तरह जो निशान लगाया हमने। देखिए इस तरह मैंने सारी लेयर लगा दी नीचे तक। देखिए अब हम नीचे जो लहंगा है इसमें हम फिनिशिंग देंगे नीचे। देखिए इस तरह फोल्ड करेंगे हम इस तरह सिलाई लगा देते हैं। देखिए इस तरह मैंने नीचे फिनिशिंग दे दी देख सकते हैं। देखिए अब हम नेफा लगाएंगे तो देखिए इस तरह हमने ऊपर लाइनिंग रखा है और नीचे हमने कपड़ा रखा है और इस तरह हम उल्टा जो मैंने इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था इस तरह फोल्ड कर देंगे और इस तरह हम स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। अब देखिए दूसरी साइड भी हम 1.5 इंच इस तरह फोल्ड कर देंगे। इस तरह मैं सिलाई लगा दी अब हम इस तरह नेफे को फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह और इस तरह हम स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे। इसी तरह मैं दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए इस तरह मैंने दोनों साइड सिलाई लगा दी है। अब हम इस तरह 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और इस तरह हम सिलाई लगाएंगे स्ट्रेट। देखिए इस तरह मैंने नीफा भी लगा दी हमने। अब हम फिटिंग देंगे साइड की। देखिए जो हमारा नेफा है यहाँ से हम छोड़ के नीचे से हम सिलाई लगाएंगे इसमें इस तरह फिर। देखिए इस तरह नीचे से सेट करते हुए। इस तरह फिनिशिंग दे दिए देख सकते हैं इस तरह हमारा पूरा लहंगा तैयार हो गया है। देखिए मैं नेफा भी लगा दिए और देखिए मैं फ्रिल भी लगा दी है देख सकते हैं नीचे तक हमने और नीचे भी हमने फिनिशिंग दे दी लहंगे में भी और इसमें भी देखिए फ्रिल में भी देख सकते हैं कितना सुंदर लहंगा हमारा बना है। इस आसान तरीके से भी पुरानी साड़ी में से फ्रिल वाला लहंगा बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना।